हेलो नमस्कार दोस्तों, 21 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार नजर मार लेते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को कुछ ज्यादा आर्टिकल इंपोर्टेंट आए नहीं है, केवल दो ही आर्टिकल हैं जिनमें कुछ काम की न्यूज है, तो उनको हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ साइड में जो छोटा एडिटोरियल है या आर्टिकल है, ये आया है बेसिकली सीबीआई के बारे में कि किस तरीके से सीबीआई है वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पपेट्री बनकर रह जाती है, उसका मिसयूज वगैरह किया जा रहा है, बट कुछ यहाँ पे काम के पॉइंट भी हैं तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये फीफा वर्ल्ड कप को लेके है, तो इसके अंदर दो तीन न्यूज जैसे हमें पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट है बेसिकली, पर हमने वो नीचे ऑलरेडी डिस्कस है वो कर लिए हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था इस बार, नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होने वाला, तो ये चीज आपको ध्यान है वो रखनी है। इस बार का विजेता कौन था, फ्रांस रहा था, बस ये ही हमारे लिए काम का है, बाकी कुछ यूपीएससी यहाँ पे नहीं पूछने वाली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम बात करते हैं, नीचे जो बड़ा आर्टिकल है ये आया है एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में, कि एससी और एसटी पे जो अत्याचार के लिए एक्ट लाया गया था उस एक्ट को अभी डायल्यूट करने की बात हो की थी, तो डायल्यूट किया जा रहा था, तो उसको लेकर काफी बवाल वगैरह उठा था, तो उसके बारे में अभी राइटर है वो अपने व्यू वगैरह दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर साइड में जो एडिटोरियल है ये भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड वगैरह है, तो हम इसे यहाँ पे डिस्कस वो नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कल की जो प्रीलिम्स अपडेटर की वीडियो थी उसके अंदर एक मिस्टेक हो गई थी, एक गलती थी, तो उसको यहाँ पे बता देता हूँ आपको, तो आप भी उसको थोड़ा करेक्ट है वो यहाँ पे कर लेना। कल एक्चुअली मैंने मैक स्पीड के बारे में बात की थी कि मैक स्पीड, तो वो मैक स्पीड है वो एक्चुअली जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसकी साउंड की स्पीड के इक्वल होता है यहाँ पे, या एयर की स्पीड, वो मैंने वहाँ पे मिस्टेक की थी, तो वो एक्चुअली वहाँ पे मैंने बता दिया था कि साउंड की स्पीड है उसके इक्वल होता है, साउंड नहीं वो एयर की स्पीड है, वो एक्चुअली क्या होता है जैसे आपको बताता हूँ काफी इक्वल। आपको पता है कि साउंड की स्पीड तो कैसे होगी, वो तो डिपेंड करती है ना साउंड, जैसे कि हवा है, हवा के अंदर ही तो कोई एयर साउंड हो, जैसे हमने कुछ वर्ड बोला तो ऐसा थोड़ी है कि वो बिना किसी हवा वगैरह के चला जाएगा, तो हमने कोई वर्ड बोला तो हवा के थ्रू वो एक जैसे दूसरे के ट्रांसमिट होता रहता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैक स्पीड है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड है वो वहाँ पे देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड है उसके इक्वल हो जाती है, क्योंकि हवा के तो खुद की तो कोई स्पीड होती नहीं है, मैंने वहाँ पे वो मिस्टेक वो की थी, तो आप प्लीज़ उसको यहाँ पे करेक्ट है वो कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैक स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट या जो भी स्पेस क्राफ्ट हो गया उसकी स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड है वो किस में काउंट करते हैं, ऑब्वियसली एयर में तो काउंट की जाती है ना, तो यहाँ पे वो मिस्टेक वो हो गई थी, तो इन दोनों के रेशियो के आधार पर मैक नंबर निकाला जाता है। अगर आप ये देखिए कि साउंड की स्पीड है उसके, साउंड की जो स्पीड है उसके इक्वल ही अगर जो एयरक्राफ्ट की स्पीड हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, तो मतलब मेक स्पीड वन होगी, मतलब क्या हो गया मेक, एक मेक का नंबर मतलब ही हो गया यहाँ पे कि जितनी स्पीड साउंड की है उतनी स्पीड से जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है जो साउंड की स्पीड से बहुत तेज जा रहा है तो वो यहाँ पे हो जाएगा सुपरसोनिक हो जाएगा या फिर हाइपरसोनिक भी हो जाएगा, अगर 5 मैक से भी ज्यादा या 5 गुना स्पीड ज्यादा है उसकी तो वो हाइपरसोनिक हो जाते हैं, तो ये बेसिकली एक मिस्टेक हो गई थी, तो प्लीज आप उसको यहाँ पे करेक्ट है वो कर लेना। चलते हैं हम आगे। आगे जो आज का एक एडिटोरियल है वो बेसिकली एडिटोरियल तो नहीं है, वो यहाँ पे ग्राउंड जीरो आता है आपको पता है सैटरडे, तो उसमें बेसिकली एक छोटी सी बात है, खैर वो प्रीलिम्स के नजरिए से थी बट मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे उसको कवर है वो कर लेते हैं, कि 2011 में इंडिया में टाइगर सेंसस हुआ था, तो उस दौरान उसके काफी सारे टाइगर्स वगैरह की एक्चुअली बार बार जनगणना मतलब बार बार जो कैलकुलेशन है वो हो गई थी कि एक टाइगर को 2 बार कैलकुलेट वगैरह कर लिया गया था, तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी का इश्यू था कि यार सही ढंग से काउंट किया नहीं किया। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में वहां पे अभी टाइगर सेंसस है वो कर रही है, तो उसको लेके भी न्यूज वगैरह उसमें काफी सारा डाटा दे रखा था, बस तो हम ये पता होना चाहिए तो कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, इसके अलावा क्या क्या पैरामीटर वगैरह वहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो एक तो जो वहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो क्या करती है, जगह जगह पे कैमरे वगैरह लगा देती है, या फिर जो उनका बोल सकते हैं कि फुट के जो पैर वगैरह के डिजाइन निशान वगैरह रहते हैं साइन वगैरह उनके आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर जैसे कोई भी वहाँ पे तालाब वगैरह होता है उस तालाब के आधार, तालाब के पास में एक्चुअली वहाँ पे कैमरे वगैरह लगाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाता है, उसके आधार पे ऊपर से जीपीएस का यूज किया जाता है कि भाई कितने कितने वहाँ पे टाइगर वगैरह, तो ऐसे वहाँ पे जनगणना बेसिकली की जाती है, तो उसी को लेकर डाटा आ गया था, तो हमने जो इंपॉर्टेंट 2-4 फैक्ट थे वो हम यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल मैन एडिटोरियल है वह है एस सी एस टी एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में। कंटेक्स्ट जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस टी एस टी जो एक्ट था एट्रोसिटीज एक्ट उसमें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिकली कि इसका सही ढंग से यूज नहीं हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो इसको डायल्यूट हो किया जाना था, तो उसको लेकर काफी सारा बवाल इस मामले में उठा था और काफी बड़ी धांधलेबाजी का मतलब ये उठा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वो एस सी एस टी को काउंटर करने के लिए ऐसे स्टेप वगैरह उठा रही है, तो वो सारी बातें वहाँ पे आई थी, बट हमारे लिए यहाँ पे जो काम का वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 20 मार्च को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी,
तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि भाई एस सी एस टी एक्ट इसका काफी ज्यादा मिसयूज है, वो हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको डायल्यूट करने की जरूरत है, वो बातें सामने आई थी। अभी कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार हो जाता है कि जिन ने जो जज थे उस टाइम पे जिस बेंच में, उन्होंने ये निर्णय दिया था कि भाई इसका मिसयूज वगैरह हो रहा है, उनका अभी 6 तारीख को ही उनका एक्चुअली आप बोल सकते हो कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब उनका क्या टाइम पीरियड पूरा हो गया था, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया। तो इस दौरान भी उन्होंने ये कहा कि देखो एस सी एस टी है, उसका मिसयूज ज़्यादा कर रही है, तो तभी राइटर ने अपना यहाँ पे व्यू वगैरह दिया है कि भाई वो तो अपने पद से हट गए हैं, उसके बाद भी वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को और ज़्यादा प्रमोट है वो कर रही हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चीज़ देखते हैं जो यूपीएससी के नज़रिए से आती है, वो आती है कि भाई एस सी एस टी जो एट्रोसिटीज एक्ट है इसके फीचर्स क्या हैं, मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पहले वो देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। देखो पॉजिटिव पॉइंट एक तो ये है कि एस सी और एस टी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इसके अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर काफ़ी इसमें एक्शन है वो ली जाती है, मतलब एस सी एस टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरी बात यह है कि कई बार जैसे एस सी एस टी के जो लोग होते हैं इनका क्या है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो ढंग से केस वगैरह दर्ज नहीं करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या लापरवाही बरती जाती है। तो अब क्या होगा अगर ऐसा जो केस जो एक्ट बनाया गया था एस सी एस टी एक्ट, इसके तहत ये प्रावधान था कि भाई उनको स्पेशल प्रोटेक्शन वो दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप हल्के में ले लो, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाएगी थी एस सी एस टी के लिए, तो ये एक बेनिफिट है। तीसरे बेनिफिट की बात करें तो वो ये होता है कि भाई एस सी एस टी एक्ट के तहत अगर कोई भी केस वगैरह दर्ज हो रहा है तो उसका सोल्यूशन वो जल्द से जल्द है वो होता है, ये बेसिकली इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर है वो बात करते हैं। तो बेसिकली तीनों इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए थे क्योंकि हमारा देश में जब संविधान लागू हुआ था 1950 उनके बाद उस टाइम पे, तब क्या हुआ था, तब इश्यू यही रहा था कि हमारी सोसाइटी काफ़ी डिस्क्रिमिनेट थी, मतलब भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा था, लोग आपस में धर्म के आधार पर बटे हुए थे, जाति के आधार पर सोसाइटी पूरी अलग अलग बटी हुई थी। तो उस दौरान ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना हम फंडामेंटल राइट के तहत सभी को ऐसी पावर दें ताकि जो गरीब लोग हैं या फिर जो एस सी एस टी के जो लोग हैं उनको एक्चुअली इम्पावर किया जाए, उनको थोड़ा पावर दिया जाए ताकि वो हमारी सोसाइटी के लेवल में पहुँच जाएँ। तो इसके लिए भेदभाव को दूर करने के लिए बेसिकली एस सी एस टी एट्रोसिटीज एक्ट है वो लाया गया था। अब देखो इसका मिसयूज़ क्या हुआ वो भी हम यहाँ पे देख लें, क्या बात सारे मामला सामने आया। तो जो ए के गोयल हैं जिनका अभी आप रिसेंटली बताऊं कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, मतलब उनका रिटायरमेंट यहाँ पे हो गया है, तो उस दौरान उन्होंने ये कहा कि इसका मिसयूज ही बहुत ज़्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं। तो देखो राइटर ये कह रहे हैं, राइटर इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया मिसयूज तो कौन सी चीज़ का नहीं होता, देखा जाए तो आज के टाइम पे दहेज के लिए कानून बनाया गया उसका भी मिसयूज हो रहा है, और जो टेररिज्म जो की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी एक्ट बनाया गया उसका भी काफ़ी ज़्यादा मिसयूज है वो हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि मिसयूज हो रहा है तो आप उस चीज़ को बैन कर दो, अगर दहेज के लिए जो एक्ट वगैरह बनाया गया उसका मिसयूज हो रहा है तो ऐसा थोड़ी कि आप बैन कर दोगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, जहाँ पे गलतियाँ हो रही उनको आइडेंटिफाई करो ना, ऐसा थोड़ी कि बैन करने से कोई सोल्यूशन हो जाएगा। मिसयूज का मतलब तो ये है ना कि कहीं ना कहीं आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन या आपका जो प्रशासन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी है वो पूरे ढंग से कंप्लीट नहीं की जा रही है, प्रशासन है वो अकाउंटेबिलिटी के नाम से भाग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही हुई है, ना कि आप ये नहीं बोल सकते कि एस सी एस टी एक्ट में कमी है, एक्ट में कोई कमी नहीं है, ये लापरवाही सिर्फ और सिर्फ आपके प्रशासन की है। बात की जा रही है फर्जी केस की, देखो फर्जी केस बन रहे हैं नो डाउट कि हाँ काफ़ी सारे फर्जी मैक्सिमम जो केसेस हैं वो फर्जी होते हैं, बट राइटर बता रहे हैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो भी एक तरीके से गवाह होता है उसको कोर्ट तक पहुँचने ही नहीं जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है, उसको डर के मारे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन वो दी नहीं गई है। तो राइटर का तो पॉइंट ये है कि भाई इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और डायल्यूट नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो भैया दोनों डायरेक्शन है वो हमें देखनी चाहिए, हमें एक डायरेक्शन से नहीं सोचना चाहिए कि भाई एस सी एस टी एक्ट है उसको डायल्यूट करने से सॉल्यूशन हो जाएगा, हमें ये देखना चाहिए कि उनको एम्पावर भी तो करना है ना एस सी एस टी को। आज के टाइम पे हमारे देश में इतना स्ट्रॉन्ग कानून है उसके बावजूद भी एस सी एस टी के ऊपर जो अत्याचार है क्राइम वो दिन पर दिन न्यूज़पेपर में देखते आ रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो हमें कानून को इम्प्लीमेंट करने में फोकस करना चाहिए और जो भी मिसयूज वगैरह हो रहे हैं उनके लिए प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए ना, कि उसके लिए प्रॉपर और भी मापदंड वगैरह या गाइडलाइन वगैरह तय करनी चाहिए कि बगैर आपका इसका मिसयूज कर रहे हो तो आपको ऐसी ऐसी सजा हो सकती है, वो सारे गवर्नमेंट को फीचर्स वगैरह या वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है गवर्नमेंट को यहाँ पे लेके आने होंगे। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि एस सी एस टी की बात की जा रही तो इस एक्ट से थोड़ी सोल्यूशन हो जाएगा, हमारी सोसाइटी में और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे बात की जाए तो मॉब लिंचिंग जैसे इश्यू है, इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना रही है, मॉब लिंचिंग में मैक्सिमम दलित लोग हैं उन्हीं का एक तरीके से शोषण होता है, उन्हीं की हत्याएं की जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही थोड़ी है, हमारी सोसाइटी आज जो डिस्क्रिमिनेट कर रही है ना, इसलिए ये पॉइंट इनके द्वारा दिया गया है। दूसरा इसमें उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो बनाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं एस सी एस टी एट्रोसिटीज एक्ट को और ज़्यादा डायल्यूट है वो कर रहा है। तो इनके द्वारा पॉइंट ये जाता है कि देखो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद केवल दो ही जो कास्ट जो ही ऐसे कमीशन है जिनको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा बेसिक दिया गया था, एक तो शेड्यूल कास्ट को देखा था,
इसके द्वारा दिया गया था कि शेड्यूल ट्राइब वाले को, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इन दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा वो दिया गया था। क्यों दिया गया था? ताकि इनको प्रोटेक्शन वो दी जा सके और संविधान की जो भी बातें हैं उनके मुताबिक इनको ढंग से प्रोटेक्शन मिले, मतलब इनके साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में उनको दूर करने के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है वो दिया गया था, ताकि इनकी बातों की सुनवाई अच्छे से हो, उसके लापरवाही वगैरह ना हो। बट अगर यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को ही अगर दर्जा दे दिया गया संविधानी, तो इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट सभी को इक्वल लेके आ रही है एक तरीके से देखा जाए तो, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे ही नहीं रही है। अगर गवर्नमेंट इनको इक्वल लेके आएगी तो फिर एससी एसटी वो अपने आप पिछड़ जाएंगे। तो बेटर है ना कि पहले आप एससी एसटी को स्पेशल प्रोटेक्शन और दो। इनके मुताबिक ये है कि अगर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल जाएगा, 123वें संविधान संशोधन था ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत इनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये तो खुद ज्यादा जो बैकवर्ड क्लास है तो बहुत ज्यादा मिसयूज करती है इस चीज का, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान और ज्यादा होने वाला है। मिसयूज का मतलब सॉरी यहाँ पे ये है कि मतलब जो बैकवर्ड क्लास है वो तो इस चीज को लेकर ज्यादा क्रिटिसाइज करती है एससी एसटी को, तो इसका ज्यादा नुकसान और होने वाला है एससी एसटी को। ये राइटर के द्वारा पॉइंट है वो दिया जा रहा है। बेसिकली राइटर सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि भाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है अगर वो बना दिया गया तो कहीं कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट है वो और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो भी फिर अपने इस चीज का मिसयूज करने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा नुकसान इसका होने वाला है। तो राइटर फिर लास्ट में एक वे फॉरवर्ड में एक सॉल्यूशन और देना है कि हमें देखो इस चीज में जो दोनों साइड सोचनी है, हमें एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट की तरफ भी सोचना है कि एससी एसटी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसके साथ जो आम जनता है जिसको मिसयूज में फंसाया जा रहा है कि बार फर्जी केसेस में, उनकी तरफ भी हमें ध्यान है वो देना है, ताकि एक बैलेंस अप्रोच हो यहाँ पे लेके चली जा सके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस है कर लिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सीबीआई के बारे में। देखो आपको पता है कि सीबीआई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर ही होती है, सीधी सीधी बात ही है। इसको स्पेशल एक्ट है उसके तहत बनाया गया था। अब कौन से एक्ट के तहत ये बनाया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सीबीआई बहुत न्यूज में रहती है तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस ऑलमोस्ट करते ही रहते हैं कभी ना कभी। तो देखो एक तरीके से सीबीआई वो पिंजरे में कैद हुई हुई रहती है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसका काफी अच्छे तरीके से मिसयूज वो किया था, बीजेपी है वो भी इसका अच्छे तरीके से यूज है वो कर रही है, बेसिकली बात है। आपको मोटा मोटा कंटेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अभी इशू क्या है, अभी इशू वो देख लेते हैं एक बार। देखो जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री आप बोल सकते हो, पूर्व वित्त मंत्री है पी चिदंबरम साहब, उनके ऊपर भी केस और उनकी चार्जशीट है वो फाइल आउट की गई, उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर आरोप है वो लगे हैं। इशू क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। इश्यू देखो ये है कि आपको बता दूं कि हमारे देश में अगर कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा हो तो उसकी अगर जो अमाउंट है वो 600 करोड़ तक हो तो परमिशन लेती होती, पर तो हमें पर जो जो बाहर की अथॉरिटी होती है उसको परमिशन लेनी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये मान लो कि गूगल इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट है 590 करोड़ रुपए, तो उसे परमिशन लेनी होगी इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के तहत, ये ध्यान रखना है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ से ज्यादा हो, मान लो उसका इन्वेस्टमेंट 601 करोड़ ही हो गया, तो उसको परमिशन लेनी होती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। बट यहाँ पे क्या हुआ, पी चिदम्बरम के टाइम पे एक्चुअली जो एयरसेल का इन्वेस्टमेंट की बात थी तो वो हुआ था लगभग 3200 करोड़ रुपए का, और वो इन्वेस्टमेंट वो किया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की तरफ से, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की जो लिमिट थी उससे ज्यादा उन्होंने जानबूझ के किया, क्योंकि उन्होंने वहां पे घपला किया। ये सारा आरोप, ये सारा मामला यहाँ पे उठा क्योंकि 3200 करोड़ की जो अमाउंट है वो अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसके द्वारा अप्रूव देना चाहिए था इंडिया के द्वारा कि हाँ भाई ठीक है आप इन्वेस्टमेंट है वो करिए। बट हुआ क्या, वहां पे इन्होंने पैसे वैसे खा लिए और उसके बाद ये सारा आरोप मामला यहाँ पे मंड गया कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उसकी तो लिमिट से ज्यादा आपने पैसा एक तरीके से मतलब इन्वेस्टमेंट को परमिशन दी है, तो कहीं ना कहीं आपने पैसा ऑब्वियसली खाया है, आपने कुछ पैसे का गबन वबन किया है, ये सारा मामला था। तो इसीलिए जो पी चिदम्बरम साहब हैं इनके ऊपर चार्जशीट वगैरह फाइल हो की गई है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे सीबीआई है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। सीबीआई आती है पर्सनल पब्लिक एंड ग्रेवांस एंड पेंशन, जो इसकी मिनिस्ट्री है इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बेसिकली है आती है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो हो क्या रहा है, अभी आपको पता है नेक्स्ट ईयर है वो इलेक्शन आने वाला है 2019 में, और अभी इस साल आपको पता है काफी खिंचतानी चल रही है, दोनों पार्टियां मेनली कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि देखो सभी को अपने वोट बैंक की तरफ फोकस वो करना होता है। कांग्रेस भी अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है और बीजेपी भी अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है, मतलब सभी पार्टियां अपने फायदे की तरफ यहाँ पे फोकस वो करती हैं। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए तो लाया गया था ताकि कांग्रेस ये चाहती थी कि भाई बीजेपी की जो बातें हैं, बीजेपी की जो कमियां उनको सामने लाया जाए और अपना वोट बैंक का बढ़ाया जाए। बट इसी दौरान क्या क्या, बीजेपी
ने भी अपना हथकंडा यूज किया और उन्होंने भी क्या क्या सीबीआई का यूज करते हुए जो भी सारा मामला था इसको हम सामने उठा रहा था कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं दबाया जा सके। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां वोट बैंक के चक्कर में अथॉरिटी वगैरह का मिसयूज वगैरह कर रही है, वो सारी बात यहाँ पे सामने आई है। बट हमें थोड़ा केस का पता होना चाहिए और हमारे लिए यहाँ पे इकोनॉमी के नजरिए से एक पॉइंट टर्म इंपॉर्टेंट होती है, वो यही थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है वो इंडिया में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है ना वो 600 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सकती है। अगर इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसके द्वारा अप्रूवल दिया जाता है, तभी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, इसी को लेकर सारा बवाल सामने उठा था। तो ये था कंप्लीट एडिटोरियल, ज्यादा कुछ एडिटोरियल है नहीं आज के, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।